हेलो मैन वेलकम टू टुडे शो और आज का शो है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज शायद इस टूर्नामेंट इस सीजन का आई का सबसे बड़ा फॉरेन साइनिंग हो चुका है एंड दैट्स नन अदर देन जमशेदपुर एफसी सी साइनिंग फॉरमर से चैंपियन एलेंस तेवानोविच इंटर मिलान के अकेडमी से आया हुआ प्लेयर और वर्ल्ड के सम ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स के लिए यूरोप के लिए सम ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स में उनका फुटबॉल करियर स्टार्ट हुआ था की ओबर के वो एकेडमी ग्रेजुएट थे वहां से इंटर मिलान का अंडर 19 साइड में चले गए प्लेड इन ऑफ टूर्नामेंट उनके पास सेरी बी का का 88 मैचेस एक्सपीरियंस है सुपर लीग में 37 मैचेस खेले हैं प्लेड इन द सेरिया इन 16 एमएलएस में 12 मैच खेले हैं प्लेड इन द डच लीग ऑफ 10 मैचेस प्लेड इन द स्विस लीग प्ले इन द बुलगेरियन कप यूरोपा लीग खेल चुके हैं ही हैज आल्सो प्लेड द कॉन्फ्रेंस लीग ही हैज बीन इन द

करियर इज अटारन स्टार्टेड करियर इन सर्बिया मूव टू इंटर मिलान और इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड आपको वो चांस नहीं मिलता इंटरमिलान से वो चले गए थे टोरिनो में टोरिनो में जाके उन्होंने उसके बाद टोरटो में लोन डील में चले गए आफ्टर दैट ई केम बैक उनको परमानेंट ट्रांसफर में पलेरमो ने खरीद लिया पलेरमो में थे वहां से बारी चले गए बारी से फिर से चले गए स्पेजिया कैल्सियो स्पेजिया कैल्सियो से पार्टीजान जो क्लब होता है दैट इज पार्टीजान जो यूएफ में आप देखते हो फ्रॉम सर्बिया वहां पर वो थे

इसी महीने को जून थर्टी को खत्म होने वाला था और खत्म हो चुका है और आज एक हिंट भी ड्रॉप कर दिया है जमशेदपुर एफसी ने क्या यही हिंट है मोस्ट बेस्ट सीवी प्लेयर्स इन द लीग कीपिंग इन माइंड इन प्लेड फॉर इवन आप अगर पिछले साल भी देखो ही क्लब जो लीगा सरजीवे है मतलब जो सर्बिया का फर्स्ट लिया है वहां पे टन्स ऑफ असिस्ट उन्होंने किए देखो वो एक प्रॉपर लेफ्ट विंगिंग पोजीशन के प्लेयर है लेफ्ट विंगर है राइट विंग में भी बैकअप खेल सकते हैं एंड हैज प्लेड मोर देन कितने गेम्स बोलू, ही हैज प्लेड फॉर मोर देन 300 गेम्स इन हिज करियर और वहां पे इन्होंने 73 मैचेस राइट विंग और 67 मैचेस लेफ्ट विंग इन दोनों में मिला के खेले थोड़ा सा नंबर गलत हो गया था सेवेंटी थ्री इन द लेफ्ट विंग एंड इन द राइट विंग उतने मैचेस विंग में खेलने के एक्सपीरियंस है और जमशेदपुर मैंने बहुत पहले ही कहा था जमशेदपुर के पास फॉरेनर्स बहुत कम थे एंड दे विल बाय वन वन आफ्टर फॉरेनर्स और मैंने कल चार क्लब्स के नाम बोले जिनके प्लेयर्स अभी भी मार्केट में आना बाकी है फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु एफ सी जमशेदपुर ऑल्सो चेन्नई नॉर्थ ईस्ट ये चार अब मार्केट को हिला देंगे क्योंकि दे ऑल ऑफ देम नीड गुड फुटबॉल प्लेयर्स और अगर आप बहुत ध्यान से देखो स्टेवानोविच के बारे में स्टेवानोविच इज अ टॉप टॉप प्लेयर विद टॉप फुटबॉल प्लेइंग एबिलिटीज और अगर उनका गेम प्ले आप मुझे डिस्क्राइब करने को बोलो आई विल डू इट सिंपली क्योंकि देखो स्टेवानोविच के टन टन ऑफ वीडियोस है यूट्यूब में आपको मेरे बात बोलने की जरूरत भी नहीं है यू कैन वॉच बट स्टिल आप लोग मेरा वीडियो देखते हो सो आई विल ईज अ ब्रिलियंट ड्रिबलर ऑफ द बॉल ब्रिलियंट ड्रिबलर ब्रिलियंट मतलब ब्रिलियंट आई एस एल लेवल में वी सी वेरी लेस

बॉल कंट्रोल इज वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास बॉल कंट्रोल मैं आईएसएल क्लास एशियन क्लास नहीं मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड क्लास बॉल कंट्रोल है बॉल इजीली नहीं देंगे नहीं करते, least, जो मुझे सबसे बारे में अच्छी लगी आप अगर जमशेदपुर प्रॉब्लम में है और स्टीव स्ट्राइकर प्लेइंग yes, well. आपको अगर आप लॉन्ग बॉल फुटबॉल भी खेलने की कोशिश करो जो स्टीव कूपर

किसका नाम जानते हो लुसियो प्लेड विद लुसियो ये प्लेड विद लुसियो एंड द मोस्ट बिगेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट कि उनके पास वो अबिलिटीज है जो बहुत कम इंडिया इन, में आने हुए फॉरेनर्स के पास है वो है कि ही नोज हाउ टू प्ले द प्ले द बॉल इन द राइट पोजिशन क्योंकि पासिंग से बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड दिस विल वन बी ऑफ हिज वीकनेस अगर वो इंडियन प्लेयर्स के साथ उन्हें लिंकअप ना बना पाए ना इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर हिम क्योंकि जो बॉल खेला जाएगा ना द बॉल्स विच विल बी प्लेड बाय हिम विच विल बी वेरी हाई क्लास और देखो यूरोप में हम देखते हैं पोजीशनिंग सेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है क्या वो इनके लिए इतना ज्यादा यहाँ पे मैटर करेगा समथिंग वी ऑल ऑल नीड टू सी सो अ वेरी वेरी गुड डील इन दैट रिगार्ड और मैं एक चीज बोलू द बिगेस्ट थिंग यू गाज वॉन्ट टू नो अबाउट हिम एंड इट शुड बी द बिगेस्ट थिंग बिकॉज ही इज वन ऑफ दो प्लेयर्स हु नोज

क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन दिस रिगार्ड एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है जो कहीं मत जाना बिग बिग सीक्रेट एज वेल बिग डब्ल्यू फॉर आई एस एल एबसोल्यूटली बिग डब्ल्यू फॉर एन एफ सी आई डोंट नो जब होगा बोलूंगा हेलो जगदीश आयुष क्षेत्र का क्या होगा गेट प्ले टाइम अंडर मनोल एफ सी गोवा के उत्कर्ष

चालो के नाम सर्च करो चालो के स्टैट्स देखो बाहर के लीग्स में स्पेशली बेलग्रेडियन लीग इटालियन लीग कैनेडियन लीग एमएलएस इन सब लीग्स के साथ आईएसएल के स्टैट्स कंपेयर करना इज द बिगेस्ट बिगेस्ट मिस्टेक वन कैन मेक ये बहुत बड़ा मिस्टेक है डोंट मेक दिस मिस्टेक ही इज अ वेरी गुड प्लेयर और उनके एबिलिटीज ग्रेग स्टुअर्ट का स्टैट्स देख लो ही वाज इन रेंजर्स बिफोर दैट व्हाट वाज हिज स्टैट फॉर द टीम बाहर के स्टेट देख के इंडियन फुटबॉल को जज करना बहुत बहुत गलत है सो नेक्स्ट सीजन सीजन इट नॉर्थ ईस्ट क्या करेगा होपफुली करेंगे hopefully, hopefully. But हमें देखना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट ओगबेची साइन करना थोड़ा सा गलत है एंड मैक वेरी वेरी बिग थैंक यू फॉर सेंडिंग द चैट और सुपर चैट सेंड किया है आई विल हियर नॉर्थ ईस्ट के बारे में राइट नाउ मार्केट में मैं फिर से बोल दू सॉरी राइट नाउ इज नो बिग नेम एक चीज बोल सकता हूं, A. A. के लिए नॉर्थ ईस्ट ने दो प्लेयर्स को टारगेट किया है जिसमें गैलेगो एक नाम है और एक नाम एक यूरोपियन नाम है जो यूरोप के किसी एक लीग में खेलते हैं इसके अलावा सेंटर बैक्स पोजीशन में माइकल जबाको इज ऑलमोस्ट कन्फर्म और वो आ भी जाएंगे कुछ दिन के अंदर स्ट्राइकर पोजीशन में देर इज ओनली वन नेम विच आई कैन टॉक यू अबाउट दैट इज इपस मेले उसके अलावा

नवदीप ये वीडियो मैंने जुआन पेद्रो बनाली के ऊपर बनाया वो वीडियो थोड़ा सा चेक कर लेना वहां पे मैंने बोल दिया है और वहीं पे है जमशेदपुर प्लेयर इसकी देखो ये प्लेयर इंडिया में नहीं आने आस... अगर वो डिसाइड कुड बट वो प्लेयर यहां पे चैलेंज लेके वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वेरी बिग नेम कैन मेक अ वेरी गुड करियर हियर

ये कभी चेंज नहीं होने वाला है सो so, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना guys, please, uh, का कितना है देखो मैं इजीली बोलता हूं अगर 2 करोड़ प्लेयर बट इसको गलत मत वे में मत लेना क्योंकि 2 करोड़ है बिकॉज ऑफ हिज एज ही इयर्स ऑफ एज ठीक है सो so, इसलिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है बट अगेन आप अगर मार्केट वैल्यू में कहो वेन यू आर साइनिंग प्लेयर स्पेशली

जो दो करोड़ का है वो उनके एज को देख के और पोजिशन को देख के डिटरमाइन किया जाता है बाई ट्रांसफर मार्केट सो वो थोड़ा सा लगे मैं उनका प्राइम एग्जाम्पल बोलता हूँ ऑफ हिस प्लेइंग और पिछले साल उनका बहुत अच्छा सीजन था बहुत ऐसे फॉरनर्स आते हैं जिनका पिछला साल उतना अच्छा नहीं होता फॉर एग्जाम्पल वेरी गुड सीजन लास्ट ईयर बट दिस प्लेयसोविच वो बहुत अच्छा पिछला सीजन लेके यहाँ पेज बीन वेरी सक्सेसफुल

और इससे ये पता चल जाएगा वाई ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स वाईज ही इज द हाईएस्ट प्रोफाइल प्लेयर इन दिस इयर अगर कोई इससे भी बड़ा साइनिंग होता है कोरो आ सकता है ओएफसी में अगर कोरो आता है अपकमिंग प्लेयर जेएफसी बहुत सारे प्लेयर्स विवेक आने वाले हैं एक नहीं दो नहीं बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले हैं सर्जियो सर्जियोलोवेरा अंडर कोरो खेला है क्या सर्जियो सर्जियोलोवेरा अंडर कोरो ये मुझे देखना पड़ेगा भाई ये सब चीजें ना चार पांच साल पुरानी चीजें याद नहीं रहती

अरविंद तुमको गलत नहीं बोल रहा यू शुड बी स्केप्टिकल भाई ये प्लेय सिर्फ सेवेंटी टू ने सेवेंटी थ्री गोल्स किया है इज अ गुड प्लेयर दैट टू फॉर अ प्लेयर हु इज प्लेइंग इन द लेफ्ट पोजिशन जरूर ये सवाल आना भी चाहिए माइंड में और ये कुछ गलत भी नहीं है बट अगेन ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ बिगेस्ट थिंग इसकी इंडिया का मैं आके ना फुटबॉल का क्वालिटी थोड़ा सा देखो मैं बुरे तरीके से मतलब फुटबॉल क्वालिटी इज नॉट द सेम विद द सर्बियन लीग यूरोपा लीग और देखो ये गाय के बारे में ये और भी टफ होता है फॉर हिम टू स्कोर गोल्स क्योंकि ये ना कभी छोटे लीग में कभी खेले ही नहीं है फॉर द बिगेस्ट लीग एशिया में एक बार आए थे जे लीग खेला यूरोप में सेरिया और सेरी भी मेनली खेला है उसके बाद वो चले गए थे सर्बियन लीग में तो ये बंदा तो कभी लोअर लीग में खेला ही नहीं है सो हाउ वेर विल स्टैट पैट सो इंडिया में इसके स्टैट पैट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है मैं एक नाम आपको बोलूंगा निनीजूस वेल्सकिस वेल्सकिस भी एक ऐसे प्लेयर थे जब आए थे ना इंडिया में बहुत लोग बहुत स्केप्टिकल थे बिकॉज ही टू प्ले इन द ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन लीग ईस्टर्न यूरोपियन में वो एक के बाद एक मैचेस खेलते थे और पूरा करियर ही वहां पे था सो so, ज्यादा गोल्स नहीं मारे उन्होंने बट इंडिया में आने के बाद उन्होंने गोलों की छड़ी लगा दी थी इतने ज्यादा गोल्स मारे थे सो इट्स राइट एन एफ सी फंक्शन भाई सी एफ एल कॉमेंट्रीडियो मुझे करना कुछ समझ में नहीं आता करूंगा भाई करने की कोशिश तो करूंगा

भाई हाई मार्केट वैल्यू प्लेयर होगा ही तो अच्छा होगा ऐसा कोई बात नहीं है बाइंग द राइट प्लेयर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट चेन्नई न्यूज आई डोंट नाउ राइट हैव वन एनएफसी का डीएमए डीएमए पोजीशन में कोई कर. देखना पड़ेगा भाई NFC ना बहुत बैक चैनल टॉक्स है सो हमें ट्रू न्यूज कभी आता नहीं है सो so गाइज मैं आपको और फर्स्ट टाइम वॉचिंग यो इन लॉर्ड फ्रॉम जमशेदपुर एफ सी फैन थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करो फॉलो करो और मैं हर एक क्लब के बारे में न्यूज ले आता हूँ जमशेदपुर नहीं सो यू विल गेट टू नो और भाई कांग्रेस थैंक यू फॉर विद लाइव आप एक चीज जानना चाहोगे एंड आई एम टेलिंग यू दिस वन दिस प्लेयर एलेंस किस कोच के अंडर खेलते थे जानते हुए इंटरमिलन में ही यूज टू प्ले अंडर जोसे मोरिन हो वो जोसे मोरिनो के प्लेयर थे और जोसे मोरिनो ने उनको सीनियर टीम में चांस दिया था अंडर 19 में जब वो थे ही वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द प्रोडिजी और उनका गेम प्ले देख के जोसे मोरिनो ने एलन स्टेवानोविच को सीनियर टीम का कैप दिया था एंड ही हैज प्लेड फॉर इंटर मिलान अंडर जोसे मोरिनो और उनके टीममेट्स के बारे में जानते हो जावियर ज़ानेट्टी लूसियो और भी बोलना चाहूंगा Zanetti, Lucio, Diego Milito, Goran Pandev, इसके बाद और भी नाम बोलू और भी बोलता हूँ so, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ये प्लेयर खेल चुका है एलेंस तेवानोविच है ट्रेबल विनिंग इंटरमिलान साइड एलेंस तेवानोविच ट्रेबल विनिंग जो थ्रीन कप थे ऑल्सोरिया चैंपियर इटालियन कप विनिंग जो टीम थी ट्रेबल विनर्स उस टीम के पार्ट फे वो एंड ही हैज प्लेड विद द द लेजेंड्स लेजेंड्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एज वेल ही इज बिगर साइनिंग और मैं इसको हाइप नहीं कर रहा बिकॉज एवरीबडी नोज मोहन बगान फैन इसमें मेरा कोई स्टेक भी नहीं है बट इस दिस प्लेयर दिस इज रेवोल्यूशन रेवल्यूशन इंडियन फुटबॉल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग है इसके बाद और भी बड़े प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल में हमें देखने को मिलेंगे बिकॉज ही इज दैट गुड साइनिंग और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्लब फुटबॉल के लिए एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी दिस डील इज इंपॉर्टेंट फॉर द अदर क्लब्स वेल क्योंकि भाई भाई क्लेम कर लो जिसको चाहिए <laughs> ओ थैंक यू क्योंकि मैं एक चीज पहले ही बोल दू क्योंकि ये अगर होता है ना नॉर्थ ईस्ट जमशेदपुर ओडिशा बेंगलुरु मोहन मोहनबागान ईस्ट बंगाल मुंबई ये सबके पास भी अपॉर्चुनिटीज होंगे इस लेवल के प्लेयर्स ले आने को जो सेरिया

ओएफसी का न्यूज तो एक ही है कि देखो हुगो बुमु ना हो बट जेरी लाल ने साइन कर लिया देख रहे हो रात में आ जाना वीडियो में आपके जितने क्वेश्चन में अभी आंसर नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज आई अ लॉट ऑफ थिंग्स वो मुझे रात में करना पड़ेगा सो ऑर्बनाइट मार्केट वैल्यू क्या है मार्केट वैल्यू ऑर्बनाइट द मार्केट वैल्यू इज

साइन अभी तक नहीं हुआ हो जाएगा टाइम लगेगा बिकॉज देखो ये तो ऑलमोस्ट सब टॉप सोर्स ने बोल दिया क्योंकि हर एक डील ना कंप्लीट करने का थोड़ा सा टाइम लगता है 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 अनाउंसमेंट करने के पहले बहुत पेपर वर्क होता वो वो भी होगा सॉरी आई मेंबरशिप भाई कोई बात नहीं है, अगर आप मेंबरशिप ना ला पाओ कोई बड़ी बात नहीं है जो लेते हैं उनके लिए वेरी वेरी बिग थैंक यू जो नहीं भी है उनके पास आप लोग मेरे लिए सेम ही हो यू गाइज आर माई ब्रदर्स एवरी वन ऑफ यू गाइज आर माई ब्रदर्स सो कोई बात नहीं है आई वॉज अ स्टूडेंट आई कुडेंट

वीडियो को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगे चैनल एंड अ वेरी बिग थैंक यू आप लोगों के वजह से ही आर्म एंड ग्रो कर पा रहा है सो वेरी बिग थैंक यू एंड इट्स गाइज ए टाटा एंड दैट्स अ बिग साइनिंग कॉन्ग्रेचुलेन्स टू जमशेदपुर फैंस फिर मिलेंगे आज रात को एट इलेवन पी एम वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स शायद जेडी हो सकता है अगर कोई और भी बड़ा डील हो जाए इसके बीच में मे बी दैट सो गाइज अ वेरी बिग